हेलो साथी सब, आई अपना सबके एगो एचसी गणित के एगो छोट टॉपिक लेके आयल छी। एचसी गणित आदमी सब कहि रहे छै, साथी सब है एगो दुगो गाँव में से कहि रहे छै कि एचसी गणित न समझ में अभी वीडियो बना दा। तो एगो छोट 5 मिनट 6 मिनट के वीडियो एगो बना रहल छी फलन के बारे में। एचसी गणित के एगो टॉपिक है फलन, इंग्लिश में फंक्शन कहै छै। फलन केकरा कहै छै और फलन है कि न है से केना पहचानबै, और फलन है अगर तो ओकर क्षेत्र विस्तार क्षेत्र और सह क्षेत्र सब केना पता लगबै, जै के बारे में बात करै छै। ई चार गो चित्र बनेले छी, ऐसे सब समझ में आ जात सब आदमी के। चित्र नंबर एक में देखो तो समूह ए के सदस्य है 1 2 3 4, समूह बी के सदस्य है 1 4 9 10। चित्र नंबर एक जे है से एगो फंक्शन है जे समूह ए के सदस्य से समूह बी के सदस्य संग मिलल है। चित्र नंबर एक फलन है कि न है, चित्र नंबर एक फलन है, कैला कि फलन होय के लागी समूह ए के प्रत्येक सदस्य के संबंध समूह बी के एक गो सदस्य के साथ है, तो वही संबंध के अपने सब फलन कहे छे फंक्शन। आप चित्र नंबर दू के देखो, तो चित्र नंबर दू में ए के प्रत्येक सदस्य के संबंध समूह बी के एक एक गो सदस्य से है, लेकिन समूह ए में समूह बी में एगो सदस्य के संबंध केकरो साथ ना है, 5 के संबंध ए में केकरो साथ ना है, तैयो चित्र नंबर दू इसे फलन है। कैला कि समूह ए में एको गो न छूटे के चाहिए, समूह बी में छूटबो करे तैयो फलन हेबे करे कि, तो चित्र नंबर दू भी फलन है। आप चित्र नंबर तीन में देखो, आप चित्र नंबर तीन ही से फलन है कि नहीं से डिसाइड करे के है। समूह ए के प्रत्येक सदस्य के संबंध समूह बी में प्रत्येक सदस्य के साथ है नहीं है, समूह ए में 5 के संबंध समूह बी के केकरो साथ नहीं है, तेला चित्र नंबर तीन ही से फलन न है। बी में एगो जो 9 है वो छूटल है तैयो ई फलन रहते, अगर ई 5 में खाली न रहती तब, कैला कि समूह ए के 5 ही से जेकर संबंध बी में केकरो साथ न है, समूह ए के 5 ही से खाली है, तेला इस चित्र ही से फलन न है। आप चित्र नंबर 4 के देखो, अब ये चित्र नंबर 4 ही से फलन है कि न है से केना डिसाइड होते, तो फिर वह बात, समूह ए के प्रत्येक सदस्य के एकल संबंध समूह बी में है, समूह ए में कोनो सदस्य खाली न रहे के चाहिए, और समूह बी के कोनो एक गो सदस्य के साथ संबंध रहे के चाहिए, तब फलन होते, तेला समूह ई चित्र जे 4 है से फलन है। अच्छा, और एगो और बनाबै छी से देखू फलन न होय के कंडीशन। मान लो ई ग्रुप ए ए है, बी ए के सदस्य में 1 2 3 4 और बी के 2 3 4 5, ए के 2 के साथ संबंध है, 2 के 3 के और 3 के 4 के साथ संबंध, 4 के संबंध जो है इसे 4 के साथ भी है और 5 के साथ भी है, ये चित्र नंबर 5 मान लो एकरा। अब ये चित्र नंबर 5 फलन है कि नहीं, चित्र नंबर 5 इसे आप फलन ना है, कैला कि समूह ए के प्रत्येक सदस्य के संबंध समूह बी के कोनो एक गो के साथ रहे के चाहिए, ये 4 के संबंध जो है समूह बी के 2 गो सदस्य से है, 4 से 5 से, तेला समूह ई चित्र नंबर 5 जो है से फलन न होते। आब फलन जो बुझ गई, तो आप फलन के कहे छे क्षेत्र पता लगाबे के और विस्तार क्षेत्र पता लगाबे के और सह क्षेत्र पता लगाबे के। तो फलन के क्षेत्र एकरा इंग्लिश में डोमेन कहे छे, डोमेन, और विस्तार क्षेत्र इंग्लिश में एकरा कहे छे रेंज कहे छे इंग्लिश में, और होय छे सह क्षेत्र एकरा इंग्लिश में कहे छे को डोमेन। तो कोनो एगो फंक्शन ले छी, जे फंक्शन है ओकरे क्षेत्र विस्तार क्षेत्र और सह क्षेत्र पता लगबै छी अपना सब।
चित्र नंबर चार के देखो। चित्र नंबर चार से तो फलन है, तो चित्र नंबर चार में, चित्र नंबर चार है एक कर्मजोड़ा के मिलान चित्र में दिखाएल है। एक चित्र नंबर चार के क्षेत्र कौन होते, क्षेत्र जो हो से पहिलका समूह के सदस्य सबके कहे क्षेत्र है। तो चित्र नंबर चार में क्षेत्र कथि हो जाते, एक सब सदस्य दू तीन चार पाँच छः, तो एक लिखब है ना 2.3.4.5.6 क्षेत्र, चित्र नंबर चार के देख रहा है अपना सब। और विस्तार क्षेत्र जब है से समूह बी के सदस्य के, समूह बी के जितने भी सदस्य है ओकर जे मिलल ही समूह ए के साथ उ मात्र छः है समूह बी के सदस्य, लेकिन ये समूह ए के केकरो साथ नहीं मिलल है। तहला विस्तार क्षेत्र में 1, 2, 3, 4, 5 आ जाती कि 1, 2, 3, 4 और 5। और सह क्षेत्र के मतलब हो कि समूह बी के टोटल सदस्य जो मिलल ही एक के साथ से हो आ न मिलल ही से हो, तो आप एक से छः तक आ जाते सह क्षेत्र 1, 2, 3, 4, 5, 6। तब ये कथी भग क्षेत्र समूह पहिलका समूह के सब सदस्य के क्षेत्र, विस्तार क्षेत्र है जे समूह पहिलका समूह के सदस्य जे समूह बी से मिलल है ओकरा कहे छे विस्तार क्षेत्र, विस्तार क्षेत्र हो गया। और सह क्षेत्र कोडोमेन समूह बी के सदस्य मिलल ही से हो आ न मिलल ही से हो, टोटल सदस्य के कथी कहे सह क्षेत्र कोडोमेन कहे। और आब ये तो फलन दिले है अति मिलान चित्र में दिखाएल है, आ मिलान चित्र देख के कभी काल एग्जाम में कह रहे कि अगर कर्मजोड़ा के समूह बनाबे के, तो चित्र नंबर चारे के देख रहा अपना सब, कर्मजोड़ा को समूह, कर्मजोड़ा हर को समूह करे से बनाबे के केना बनते। चित्र नंबर चार में देखो तो दू है से दू जो है से एक के साथ मिलल है समूह बी में, तो एक हो जाते कर्मजोड़ा 2.1। अब इसमें तीन जो है तीन ही से दू के साथ मिलल है, तो यहाँ 3.2 और चार जो है से तीन के साथ मिलल है 4.3 और पाँच जो है से चार के साथ मिलल है, तो यहाँ लिखब 5.4 और छः जो है से पाँच के साथ मिलल है, यहाँ लिखब 6.5। तो एक कहे कर्मजोड़ा के समूह बनाबे के। तो अब आवास करे कि अहाँ सबके फलन समझ में आ गेल, जना चित्र दिले रहते तो फलन है कि नहीं से छुटिया सक छी और ओकर क्षेत्र विस्तार क्षेत्र और सह क्षेत्र पता लगा सके छी।